మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గౌరవనీయులు రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ మహమూద్ అలీ గారు మైనారిటీ సంక్షేమం ఇతర విషయాల గురించి చర్చించి ఈ తీర్మానాన్ని బలపరుస్తారు. ఇజ్జత్యా టిఆర్ఎస్ పార్టీ వజీర్ ఆలా జనాబ్ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు సాహబ్, ఇజ్జత్ మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రియాసతి వజీర్ జనాబ్ కల్వకుంట్ల తారిక్ రామారావు సాహబ్, ఇజ్జత్ మా సెక్రటరీ జనరల్ రుక్న పార్లమెంట్ డాక్టర్ కె కేశవరావు సాహబ్, ఇజ్జత్ ఆప్ రియాసతి విజరా అర్కాన్ పార్లమెంట్ అర్కాన్ ఖానూన్ సాస్ కౌన్సిల్ అసెంబ్లీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మేయర్స్ इस प्लीनरी में आए हुए टीआरएस के तमाम कायदीन सबको मेरा आदाब और सलाम नमस्कार. टीआरएस पार्टी के क़याम के 20 साल जश्न के इस पुरबसरत और यादगार मौके पर मैं इज्जत आप सदर टीआरएस पार्टी वजीर आला जनाब कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव साहब को सदर मुंतखब होने पर तेलंगाना के चार करोड़ आवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं. इस तेलंगाना मूवमेंट में हमारे आनेबल सीएम साहब ने 2001 में जो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी कायम की थी उनका एक ही मकसद था तेलंगाना हासिल करना. उस वक्त यह शेर बहुत कहा का जाता था, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते साथ आते गए और कारवान बनता गया. आज इतना बड़ा कारवान हमारे आनेबल सीएम साहब ने शुरू किया है और आज तेलंगाना भी मिला है और हम खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहे हैं. सीएम साहब के जो बुलंद हौसलों पर कई लोगों ने एक शेर कहा सीएम साहब पर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. हिंदुस्तान की तारीख में जितनी भी सियासी पार्टियां बनाई गई साबिका 75 साल में वो इख्तदार की खातिर बनाई गई, जबकि इज्जत माब वजीर आला जनाब कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव साहब ने टीआरएस पार्टी को इख्तदार हासिल करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के क्याम और तेलंगाना आवाम को उनके हक दिलवाने के लिए बनाया था. केसीआर साहब का मकसद सिर्फ तेलंगाना बनाना नहीं बल्कि इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाना था. इसलिए केसीआर साहब ने गांधी जी के उसूलों पर अमल करते हुए बगैर किसी तशद्दुद के मुसलसिल 14 सालों तक जद्दोजहद करते हुए अपने मकसद में कामयाबी हासिल की और हिंदुस्तान के नक्शे में 2 जून 2014 को रियासत तेलंगाना का नाम शामिल किया गया. इसके बाद से तेलंगाना रियासत हर रोज अपनी नई नई स्कीमात की वजह से तेलंगाना भर में काफ़ी तेजी के साथ तरक्की हासिल कर रही है. इसलिए हम केसीआर साहब को महात्मा कहते हैं. इज्जत आप वजीर आला जनाब कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव साहब ने अपने 7 साल दौर हुकूमत में तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में एक खास मुकाम दिलवाया. इन 7 सालों में तेलंगाना रियासत ने जितनी तरक्की हासिल की वो पिछले 65 सालों में नजर नहीं आती. बिलखसूस मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए शुरू की गई स्कीमात और इनकी तरक्की काबिल जिक्र है. इस मौके पर अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, मैं जनाब केसीआर साहब पर नजर करता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. वो हमारे सीएम साहब है, हमारे केसीआर साहब है. इज्जत आप वजीर आला जनाब कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर साहब की जेर क्यादत हुकूमत तेलंगाना ने अकलियतों की भलाई और तरक्की के लिए बहुत से इकदाम किए हैं. हुकूमत ने अकलियतों को समाजी माशी तालीमी और इदारे जाती तरक्की को मद्देनजर रखते हुए अनोखी स्कीमात नाफिज की हैं, जिसके लिए हुकूमत तेलंगाना ने इस साल 2021-2022 में 1,606.39 करोड़ का बजट मख्तस किया है, जिसमें से अभी तक 765.93 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है. क़याम तेलंगाना से अब तक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए खर्च किए गए जुमला बजट का 6,644.26 करोड़ रुपये खर्चा किया गया है, जब से कांग्रेस पिछले 10 सालों में तेलंगाना के लिए सिर्फ
माइनॉरिटीज के लिए 925 करोड़ रुपए खर्चा किए गए थे जो हमारे एक साल के बराबर नहीं है। ये बात बताना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत से लोग पैदा होते हैं, बहुत से लीडर है, मगर कोई सेकुलर लीडर है, सारी कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है, और हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब है। मुसलमानों को दूसरी कौम की तरह तालीम याफ्ता बनाना हमारे KCR साहब का एजेंडा था, हमारे चीफ मिनिस्टर का। वो हमेशा कहते थे जब तक मुसलमान तालीम हासिल नहीं करेंगे वो तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए हमारे CM साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोला है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, 65 साल में 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की और 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की। सारे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 3 से 3,500 बच्चे पढ़ा करते थे, पर हमारे आनेबल CM साहब ने सिर्फ 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। और खास तौर से लड़कियों के लिए साबिका में CM साहब जब मीटिंग करे, बहुत से लोगों ने हमारे CM साहब से कहा कि साहब लड़कियां हॉस्टल में नहीं रह सकती, किस तरह पढ़ सकती है। मगर हमारे महात्मा लीडर ने क्या कहा, जब तक हमारी बच्चियों को हम तालीम नहीं देंगे वो अपने पाँव पे नहीं ठहर सकेंगे, अच्छी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इसलिए आज हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में 54,501 लड़कियां पढ़ते हैं और 59,939 लड़के पढ़ते हैं। टोटल 1,14,440 स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। 65 साल का हिसाब देख लीजिए, ये 5-6 साल का हिसाब देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। जब किसी कौम को तालीम देते हैं तो वही सब तरक्की कर सकती है। इसके लिए हमारे महान और महात्मा लीडर ने तेलंगाना बनने के बाद, आप देखिए 10 साल के अंदर कांग्रेस का पूरा बजट 925 करोड़ का था, पर हमारे CM साहब ने खाली माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 1,789.26 करोड़ खर्चा किया है। इसके लिए मैं CM साहब का बहुत दिल के गर्व से शुक्रगुजार हूँ। हमारे बच्चे जो गरीब माँ बाप के बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाना चाहते थे, मगर उनके पास जायदाद नहीं, पैसा नहीं, वो जा नहीं सकते थे। टैलेंटेड बच्चे हमारे आनेबल CM साहब ने ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू की मुसलमानों के लिए। आज 2,235 स्टूडेंट अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जापान में पढ़कर आए हैं। उनके लिए आनेबल CM साहब ने 323.29 करोड़ रुपये खर्चा किया है। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी भी CM साहब कहते थे मुसलमान क्यों नहीं IAS बन सकता है, कोई नहीं IPS बनता है। उसके लिए हमारे CM साहब ने हर साल 100 बच्चों को IAS IPS बना रहे हैं। अब तक तेलंगाना बनने के बाद 500 बच्चों को IAS IPS के एग्जाम दिलाए, उसका पर्चा पूरा खर्चा हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त किया गया, उसके लिए 12.53 करोड़ दिया गया। उसी तरह ट्यूशन फीस अभी तक जो बच्चों को दी गई है 9,23,704 स्टूडेंट्स को 389 करोड़ दिए गए। फीस रीइंबर्समेंट 7,14,536 स्टूडेंट को दिया गया, उसके लिए 1,372.6 करोड़ का खर्चा आया है। शादी मुबारक स्कीम, शादी मुबारक पहले भी की जाती थी बिल्कुल पूरे आंध्र प्रदेश में या हमारे तेलंगाना में 100-150 लोगों की शादी की जाती थी। उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, शादी में जो जहेज देते थे वो लोग मामूली मट्टी के शेर के पुराने कपड़े और जुमेरात भर के फर्नीचर लाकर देते थे, मगर हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, फर्नीचर किस तरह उनको पैसे दिए जाएं। और ये स्कीम जब लागू की गई लोग दंग थे, लोग कहते थे किस तरह मुमकिन है। हमारे आनेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 1,95,825 मुस्लिम गर्ल्स की शादी करवाई है। लोग दिल से हाथ उठाकर दुआ देते हैं CM साहब को, CM साहब को अल्लाह अच्छा रखे, वो हमारे बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। और हमारे बच्चों की शादियों के लिए जो मदद कर रहे हैं उसकी रकम 1,534 करोड़ है, ये मामूली रकम नहीं है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए दिया गया है। उसी तरह इमाम और मौजन हमारे बड़े परेशान रहते थे, कई नुमाइंदगी होती थी, मुझसे भी तेलंगाना मूवमेंट के अंदर आकर बहुत लोग कहते थे। मैं कहता था कि कांग्रेस तेलुगु देशम भैरी जमात है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुने नहीं आता। और तेलंगाना बनने के बाद जब CM साहब से ज़रा सा जिक्र किया, उन्होंने बहुत सही बात है, हमारे इमाम और मौजन अल्लाह की इबादत करते हैं, नेक रास्ता बताते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ हदिया ज़रूर दिया जाना चाहिए। आज 5,000 इमाम और 5,000 मौजन को 10,000 लोगों को हदिया दिया जाता था, हर मंथ 5,000 रुपये उन्हें भिजाया जाता है। उसके लिए अब तक 293 करोड़ खर्चा किया गया तेलंगाना बनने के बाद। ये हमारा तेलंगाना का इंसाफ है, ये हमारे CM साहब का इंसाफ है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई CM ऐसा नहीं है जो हमारे CM की तरह सारे लोगों को तरक्की देना चाहते हैं।
लोग कहते हैं, हम खुद कहते हैं, हमारे आनेबुल सीएम साहब एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, वो तेलंगाना के अवाम के लिए तेलंगाना भी लाए और तेलंगाना के सारे लोगों को खुशहाल बनाने वाले कोई लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। उसी तरह एक हैदराबाद के अंदर अनीसुल गुरबा मदरसा था, जब सीएम साहब से जिक्र किया गया वो शायद 300-350 गज पर था, सीएम साहब ने गवर्नमेंट की 4000 गज जमीन दी, उसके लिए 39 करोड़ रुपए सेंक्शन किए, वो बिल्डिंग बन रही है। उसी तरह एक जामिया निजामिया, एक मुसलमानों का इदारा क्या, कोई पुरानी यूनिवर्सिटी थी बहुत मखदूश हालत में, वहाँ कोई ऑडिटोरियम नहीं था, जब सीएम साहब से कहा गया उन्होंने उसके लिए 14.65 करोड़ सेंक्शन कर उसे मुकम्मिल करवाया है। मक्का मस्जिद आज जितने सालों से 300 साल से मक्का मस्जिद बनी है, आज तक किसी ने इतनी बड़ी रकम नहीं दी, हमारे सीएम साहब ने उसके लिए 8.48 करोड़ सेंक्शन किए और काम तकरीबन हो रहा है। इस्लामिक सेंटर, इंडिया में कहीं पर भी इस्लामिक सेंटर नहीं है, सिर्फ दिल्ली में है, वो भी 1 एकड़ 6 घंटा पर है। आज हमारे आनेबुल सीएम साहब ने एक कीमती जमीन कोकापेट के अंदर 10 एकड़ जमीन दिए, उसके लिए 40 करोड़ रुपये सेंक्शन किए। सीएम साहब जहांगीर बिरा दरगाह की जियारत किए, उसी वक्त उसके लिए 25 एकड़ जमीन और 50 करोड़ रुपये सेंक्शन किए, वो बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। और क्रिश्चियन भवन के लिए भी 2 एकड़ जमीन और 10 करोड़ रुपये सेंक्शन किए। उसी तरह सीएम साहब ने चर्चों के लिए 411 चर्चों के लिए 32 करोड़ रुपये सेंक्शन किए, क्योंकि क्रिश्चियन भाइयों को भी उनकी इबादत के लिए अच्छी से अच्छी जगह चर्चेस रहते हैं, उसे साफ सुथरा रखने के लिए, उसकी तामीर करने के लिए। और वक्फ जायदादों का तहफ़ के लिए तेलंगाना बनने के बाद एक भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक ही जमीन हुकूमत की तरफ से नहीं बेची गई, जबकि कांग्रेस और तेलुगु देशम के हर दौर में वक्फ की जमीनें बेची गई। उल्टा हमारे सीएम साहब ने उसका तहफ़ के लिए 290 करोड़ दिए हैं हुकूमत की तरफ से, ताकि वक्फ बोर्ड को मुस्तकिम बना जाए, मुसलमानों की जायदाद की हिफाजत की जाए। और इसी तरह 117 शादी खानों के लिए 41.49 करोड़ दिए गए, जो तामीर हो चुके हैं और कुछ तामीर हो रहे हैं। उसी तरह गंगा जमुना तहजीब, सारे हिंदुस्तान में कोई नारा देने वाला गंगा जमुना तहजीब का है तो हमारे महान और महात्मा लीडर है, सारे लोगों को एक ही नज़र से देखने वाले हैं, कभी किसी को आगे पीछे नहीं देखते। तेलंगाना बनने से बड़े प्रॉब्लम होते थे, क्रिमिनल राइट्स होते थे, कभी कोई ईद मनाते तो बड़े परेशान रहते थे लोग, मगर हमारे आनेबुल सीएम साहब ने खासतौर से रमज़ान में 27 लाख लोगों को गिफ्ट दिए हैं, जिसके लिए 176 करोड़ सेंक्शन किया गया। क्रिसमस के लिए आनेबुल सीएम साहब ने 14,16,000 लोगों को ये गिफ्ट दिए हैं, जिसके लिए 102.6 करोड़ सेंक्शन किए गए। तेलंगाना क्याम से पहले उर्दू सेकेंड लैंग्वेज पूरे डिस्ट्रिक्टों में नहीं थी, कुछ डिस्ट्रिक्टों में थी, हमारे आनेबुल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया, आज सारे तेलंगाना में उर्दू तेलंगाना की दूसरी जबान है। उसी तरह इस पर अमल करते हुए इससे पहले कहीं भी मिनिस्टरों के पास, कलेक्टरों के पास उर्दू ट्रांसलेटर नहीं थे, हमारे आनेबुल सीएम साहब ने 66 उर्दू ट्रांसलेटर को अपॉइंट किया, वो सारे के सारे कलेक्टर के पास है, मिनिस्टरों के पास है, अगर कोई उर्दू में लेटर लिखा है तो पढ़कर मिनिस्टर को सुनाते हैं और फिर उसका जवाब उर्दू में लिख के भिजाते हैं। इतना उर्दू को चाहने वाले कोई केस लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। इसी तरह वक्फ जायदादों के लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने रियासत के वक्फ अर्जियात जायदादों और अजदाद की हिफाजत और मायने के लिए डीएसपी की क्यादत में एक टास्क फोर्स तकसीम बनाई गई है, जो जहां पर भी वक्फ की जमीन पर कब्जा होता है पुलिस की तरफ से टास्क फोर्स वाले जाकर जो वक्फ के अंदर काम करते हैं वो बचाते हैं। उसी तरह इज्जत आप वजीर आला जनाब के अंदर चंद्रशेखर राव साहब ने वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जों और जमीनात के फरोख पर CBCID तहकीकात के अहकाम जारी किए पिछली असम्बली में। ये बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है, किसी हिंदुस्तान में वक्त जायदादें बहुत सी हैं पर कहीं पर भी उसके ऊपर कोई किस्म की इंक्वायरी नहीं है, उसके लिए मैं आनेबुल सीएम साहब ने CBCID इंक्वायरी लगाने की कोशिश की है और तहखुन दिया है और ज़रूर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक और एक शेर कहना चाहता हूँ, वो हमारी पार्टी पर है, क्योंकि TRS पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तेलंगाना अवाम के लिए बनी पार्टी है, तेलंगाना कायम करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं बहुत से लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। ये 5 मिनट बोली शाखा
अभिवृद्धि की शांति भद्रता की विड़य लेनी संबंध उ ला एंड आर्डर बागने अभिवृद्धि साध्यम मुख्य पोली सेवलू प्रजक अत्यंत अदाट उ राष्ट्र अभिवृद्धि वे प्रभुत्म आनेबल सीएम गारु देश आलोची अनेक अडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को श्रीकारम चट्टारु देश चरित्र एक्कड़ा लेनी विधंगा राष्ट्र पोलीस व्यवस्था मॉडर्नाइजेशन कोसम कोई वेल कोट्लु केटायिंचामु तेलंगाणा स्टेट पड़ते नेक्सस एक्टिविटीज पेरुगुतायनी प्रकटन जरिगिंदि दीनिनी गौरव मुख्यमंत्री गारी केसीआर गारु पूर्तिगा फाल्स अनि निरूपिंचारु తెలంగాణ ఫార్మేషన్ నాటి నుండి నెక్స్టిజం పూర్తి అదుపులో ఉంది లా అండ్ ఆర్డర్ పెట్టిస్తంగా అమలు చేస్తున్నాం యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ విషయంలో రాజీ పడకుండా నేరాల అందుపోనికి అనేక చర్యలు తీసుకున్నాం హమారే ఆనబుల్ సీఎం సాహబ్ చూంకి వక్త్ కి కమీ హై మే దో తీన్ బాత్ ఔర్ బతానా చాతా హూ తెలంగాణ బన్నే కే బాద్ అగర్ పోలీస్ కో కోయి డెవలప్ కియే తో హమారే సీఎం సాహబ్ నే డెవలప్ కియా హై యహాన్ పర్ పూరే गैम्बलिंग मटका ड्रग्स गुड़म्बे का खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो हमारे सीएम साहब है। पुलिस ने खास तौर से महिला के लिए शी टीम्स तश्कील दिए, भरोसा सेंटर कायम किया गया है और ट्रैफिक के खास तौर से जो ट्रैफिक में काम करते हैं उन पुलिस अहदेदारों को 30% ट्रैफिक अलाउंस दिया जाता है। उसी तरह शी टीम्स के जरिए बहुत से महिलाओं की खिदमत की जाती है। हमारे आनेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद कोई नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, नए कमिश्नरेट बनाए गए। कोत्तगा वरंगल करीमनगर निजामाबाद सिद्दीपेट रामगुंडम खम्बम राचमंड कमिश्नर एयरपोर्ट चेस्ता। मैं तमाम मेरे भाइयों से यही कहता हूं, कुर्चोंडी 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 दयचे कुर्चोंडी प्लीज చిన్న చిన్న నాకలు కూర్చోండి దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్। తెలంగాణ రాకముందు హోమ్ గార్డ్ జీతం 9000 ఉంది, తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత జీతం 20250 కు एवरी इयर 1000 इंक्रीमेंट इतना मरी वसतु देश राष्ट्र। इसी तरह मैं सीसीटीवी कैमरे के बाद बताता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। हमारी स्टेट में जो हमारे आनेबल सीएम साहब ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वो 7 लाख से ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा है। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने काफी बजट दिया है और उसे उसकी वजह से क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ है और क्राइम कंट्रोल करना सारे तेलंगाना में तेलंगाना स्टेट की पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। मैं सीएम साहब को दिल की गहराइयों से इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा तेलंगाना के लिए जो काम किया है वो शायद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद किसी स्टेट में काम किया जा रहा है तो हमारी स्टेट में काम किया जा रहा है। हमारी पुलिस रात दिन आवाम की सेवा करती है और आवाम को खुशहाल ज़िंदगी गुजारती है। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारु नायकत्वंलो अनेक विजयालु साधिंचामु साधिस्तुन्नामु इंका एन्नो मंची कार्यक्रमालु चेस्तुन्नाम। तेलंगाण राष्ट्रं प्रगति पथं संक्षेमं कथंलो मुंदुकु सागुतुंदि। ई तीर्मानानिकि आमोदिंचि वलसिंदिगा मी अंदरिकि अंदरिनि अवकाशान्नि మహమూద్ భాయ్ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి బాగా జోరుగా సపోర్ట్ కొట్టాలి మనము। ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి